उसको मचा के चले जाते हैं। अभी अभी पुलिस ने पूरे इलाके को दोबारा से काबू में करने की कोशिश की है। फिलहाल वो प्रोटेस्टर्स वहाँ से गायब हो गए हैं या मॉब वहाँ से गायब हो गई है। जो डॉक्टर थे उन्होंने रोकने की अगर कोशिश की तो उनके साथ ही उन्होंने बातचीत की है और उसके बाद फिर वहाँ से निकल। और ये कितनी संख्या में लोग थे तकरीबन 100 से ज्यादा के आसपास लोग रहे होंगे और अचानक से आए हैं सारे के सारे लोग जिन्होंने पूरा वैंडलाइज किया है वहाँ पे। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, हमारे सहयोगी कुमार भी मौजूद है, रवि के दत्ता भी हमारे साथ जुड़े हैं। रवि, आप तक भी ये तस्वीरें पहुंच रही होंगी। देखिए ये कौन लोग हैं जो इस तरह से प्रोटेस्ट को बदनाम करने की कोशिश करते दिख रहे हैं। हाँ देखिए, ये जो आरजी पार्क हॉस्पिटल में जो ये तोड़फोड़ हुई है ये प्रीप्लान्ड है। क्यों प्रीप्लान है? क्योंकि ऐसा अटैक होने वाले थे ये आरजी पार्क के डॉक्टर्स को पता था और ये जो अटैक किया गया है ये वहाँ के लोगों की गुस्सा है। इसका कारण ये है कि वहाँ पे जो सर्विसेज है उसको लेके जो मतलब वहाँ पे जो डिसरप्शन हुआ है उसका था। इसका बाद आरोप जिसके ऊपर लगाया जा रहा है तृणमूल कांग्रेस के ऊपर वो कहीं से एक प्लान था ऐसा मान के चल रहे हैं सब कोई। पुलिस इसके लिए प्रिपेयर थी लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूँगा जो तोड़फोड़ वहाँ पे हुआ है बहुत प्लानफुली हुआ है। जब से ये प्रोटेस्ट वहाँ पे बैठा है इसको हटाने के लिए कहीं ऐसे कॉल एविडेंस आ रहे थे जहाँ पे ये सीधी सीधी समझ आ रहा था कि ऐसा कोई अटैक होने वाला है। तो आज की रात ये जो अटैक आजी तौर पर हुआ है ये बहुत प्लानफुली हुआ है और अगर प्लानफुली हुआ है उनका प्लान सीधा सीधा था जहाँ पे कॉर्ट ऑफ ऑपरेंस है वो जगह को नुकसान पहुँचना। क्योंकि जिस दिन ये घटना घटी उसके अगले दिन अगर वो सेमिनार रूम में आपका कोई कंस्ट्रक्शन की काम चलता है तो एविडेंस टेम्परिंग का कितना बड़ा निशान वहाँ पे छोड़ देते हैं लोग जो काम कर रहे थे या फिर किससे ये कहने पे ये पूरा टेम्परिंग का काम हुआ एविडेंस टेम्परिंग का ये सबसे बड़ी सवाल है। और आज का ये घटना प्रूव कर देता है कि वहाँ ऐसा कुछ तो ज़रूर है जो सामने आने से बहुत सारे लोगों का परेशानी हो सकता है। इसीलिए बार बार वही सेमिनार रूम वही आरजीपुर का इमरजेंसी हॉस्पिटल का जो जगह है उसको कहीं से नुकसान पहुंचाने की कोशिश किया जा रहा है। रवि के दत्ता, बार बार ये कहा जा रहा है कि इसमें आरोपी को बचाने की कोशिश की जा रही है और आरोपी एक नहीं है उनकी संख्या ज्यादा भी हो सकती है क्योंकि डॉक्टर की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसमें कहा गया है कि किसी एक आरोपी का ये काम नहीं हो सकता जिस तरह की बर्बरता उस महिला के साथ उस लड़की के साथ की गई है। ऐसे में क्या ये मोटिवेटेड और प्लान्ड थी? इसको लेकर पुलिस से अब किसी तरह की जानकारियां सामने आएंगी? और जहां तक डॉक्टर से मारपीट का सवाल है क्या लगता है कि इससे अब ये शांत होगा मामला? मुझे तो लगता है कि अब ये हाथ से और ज्यादा निकल जाएगा। जी बिल्कुल, ये हादसा मतलब अभी तक जो हुआ है इससे मामला बिगड़ते हुए देख रहे हैं हम लोग। इसका कारण ये है, मैंने सुबह से 3 स्पेशलिस्ट डॉक्टर से बात किया है कल से आज तक, सब ने कहा है जो एविडेंसेज है प्रिलिमिनरी पीएम रिपोर्ट से जो मिला है उससे साफ जाहिर होता है वहाँ पे एक से ज्यादा लोग थे क्योंकि जिनके साथ ये कर्म हुआ है वो काफी बिल्ड थे वहाँ पे और एक व्यक्ति के लिए ये कतई पॉसिबल नहीं है कि उनको ऐसी बुरी तरह से मार दिया जाए। और जो बाकी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है उससे साफ साफ प्रमाण होता है कि अगर किसी का प्राइवेट पार्ट से 150 ml लिक्विड मिलता है तो एक व्यक्ति से वो पॉसिबल नहीं है। मिनिमम 6 से 7 लोग था और जिसका पुष्टिकरण 2 से 3 डॉक्टर किया है जिनके हमने बात किया है। और आज ये जो अटैक हुआ है मैं जरूर कह सकता हूँ कल सुबह से डॉक्टर लोग जो जिस रवैये में रहेंगे वो हॉस्पिटल और इमरजेंसी सर्विस का जो फैसिलिटीज है उसको और भी बिगड़ के छोड़ेंगे। लेकिन रवि के दत्ता, इस वक्त सबसे बड़ी चिंता तो इस बात को जानना है कि आखिर ये मॉब ये भीड़ किससे मोटिवेटेड है? क्या कोई ऐसे लोग जो किसी पर्टिकुलर ग्रुप या गैंग से जुड़े हुए हैं उनसे समर्थित होकर उनसे मोटिवेट होकर ये इस तरह का उत्पात मचाने पहुंचे हैं? लेकिन ये कौन है, किसने अटैक किया था या तो फिर क्या उसका उद्देश्य था ये तो काफी साफ है। लेकिन क्यों वो ये काम किए हैं इसका सवाल तो पुलिस ढूंढेंगे। लेकिन उनका टारगेट कहाँ पे था, क्या वो करना चाह रहे थे ये काफी साफ है। और उनका टारगेट वो सेमिनार हॉल या तो वो बिल्डिंग था या तो वहाँ से प्रोटेस्ट कर रहे हैं डॉक्टर से ऊपर था ये साफ जाहिर हो जाता है। अभी आज यहाँ पर मौजूद है
रवि के दत्ता, जरा ये बताइए कि वहाँ पर इस घटना को लेकर किसी से आपकी बात हो पाएगी? वो क्या समझ रहे हैं कि इस घटना के पीछे कौन लोग हैं? ये देखिए अभी भी भीड़ वहाँ पर है। मतलब अभी आप ये समझिए कि इस पूरे मामले को, इस पूरे प्रोटेस्ट को, जहाँ पर लगातार देश भर से समर्थन मिल रहा था, वहाँ पर कुछ उत्पाती आते हैं। देखिए ये पुलिस की हम कुछ विचलित करने वाली तस्वीरें, जहाँ पर उनका खून बह रहा है, वो तस्वीरें। और ये देखिए ऊपर से टॉप एंगल से ली गई शॉट्स हैं, और इसमें देखिए किस तरह से भीड़, किस तरह से मॉब तेजी के साथ वहाँ पर आती हुई नजर आ रही है। और वहाँ पर अब लगातार चिंता इस बात की है कि एविडेंस से छेड़छाड़ करने की अगर कोशिश ही है तो ऐसा क्यों किया जा रहा है, ऐसा कौन करवा रहा है, इस पूरी भीड़ के पीछे वो कौन लोग हैं जो इस तरह की हरकत को अंजाम देना चाहते हैं? जो इमरजेंसी सेवाएं चल रही हैं उनको भी आजकल अस्पताल में नहीं चलने देना चाहते हैं। पहले तो शुरुआत में बात की गई कि आजकल हॉस्पिटल में जो सेवाएं कैसे नहीं, देखिए ये गाड़ी की हालत देखिए, इस वक्त बहुत ज़्यादा टेंस सिचुएशन है आजकल हॉस्पिटल कोलकाता में, जहाँ पर घटना को अंजाम दिया गया है। पुलिस की गाड़ियों को खास तौर पर टारगेट किया गया है, लेकिन अब वहाँ पर धीरे धीरे फोर्सेस की तैनाती की जा रही है और पुलिस वहाँ पर हालात को काबू करने की कोशिश कर रही है। चिंता इस बात की है कि किसी भी तरह से हॉस्पिटल को नुकसान ना पहुँचे, वहाँ पर इस वक्त पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती हो गई है, पुलिस एक्शन मोड में है। लेकिन इस एक्शन के बाद जिस तरह, जिस बड़ी संख्या में, लगभग सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर जनता, यहाँ पर मॉब पहुँची है, उसका मकसद कौन है? रवि, मकसद क्या है? रवि के दत्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवि, अभी भी वहाँ से जो तस्वीरें आ रही हैं वो ये बता रही है कि ये भीड़ काबू में कर पाना कई घंटे का वक्त लग जाएगा। देखिए, अगर आप जादवपुर यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो लोग हैं वो रात भर यहाँ पे टिकर रहने की मानसिकता रखते हैं। और सबसे बड़ी बात है, अगर आज भी तौर की बात कर रहे हैं, वो जो वहाँ पे हुआ बहुत ही प्लानफुल हुआ और ये होने वाला था, ये सुबह से ऐसा एक आस लगाया जा रहा था। इसका कारण ये है कि वहाँ पे जो रेसिडेंट डॉक्टर बैठ के वहाँ पे हड़ताल कर रहे हैं, उनके ऊपर कहीं पे नाराजगी है। अब क्यों ये नाराजगी है, कौन ये नाराजगी छुपाना चाहते हैं, कौन किनको लग रहा था कि ऐसा होने से मौत कुछ सामने आ जाएगा, ये तो कहना मुश्किल है। लेकिन कोई टारगेट ग्रुप था, ये साफ साफ जाहिर हो जाता है। और मैं अपना कैमरा मैन से एक बार दिखाने के लिए कहूँगा, जादवपुर यूनिवर्सिटी के सामने ये जो सारे लोग खड़े हैं, ये आज रात यहाँ पे टिकने वाले हैं, ऐसा ये सोच के यहाँ पे आए हैं। और इनका ये जो सोच है बहुत ही पुख्ता है, और इसका कारण ये है कि कोलकाता में एक लड़की का जिस तरह बलात्कार करके उनको मौत का घाट उतारा जाता है, ये कतई किसी को ऐसा, मतलब ये मान के चलिए कतई किसी को यहाँ पे ये मंजूर नहीं है। और ये सारे जितने लड़की हैं या तो औरत हैं या तो जो भी सड़के पे चल रहे हैं, उनका सेफ्टी यहाँ पे मांग हो रही है। और यहाँ पर ये लगातार नारेबाजी भी कर रहे हैं, इनके हाथ में कुछ झंडे भी हैं जो ये लेकर यहाँ पर पहुँचे हैं, और कुछ अनाउंसमेंट भी कर रहे हैं। मकसद देखिए, ये चप्पल जूते नजर आ रहे हैं, बैरिकेड आपको दिख रहे हैं, किस तरह से गिरे पड़े हैं, नुकसान पहुँचाने की कोशिश। आजकल हॉस्पिटल के बाहर बहुत बड़ी संख्या में ये भीड़ इकट्ठी हुई है और ये कर रही है। यहाँ पर देखिए, आज़ादी के दिन इस तरह की तस्वीर सामने आना किसी को उम्मीद नहीं थी। आज हम देश के आज़ाद होने की सालगिरह मना रहे हैं, लेकिन उस बीच ये तस्वीर कोलकाता की सड़कों पर देखिए, पुलिस की मौजूदगी और बारिश भी वहाँ पर हो रही है, पुलिस की गाड़ियों को नुकसान पहुँचाया गया है। आजकल अस्पताल के डॉक्टरों के साथ बातचीत की गई है और वहाँ पर अभी भी लगातार पैरामिलिट्री फोर्सेज की तैनाती की गई है, पुलिस की गाड़ी वहाँ पर मौजूद है, पुलिस की तैनाती को बढ़ाया गया है। लेकिन जिस तरह की भीड़ इस वक्त वहाँ पर मौजूद है, हालात को काबू कर पाना जल्द इतना आसान नहीं होगा। अभी रवि के दत्ता, वहाँ पर क्या सिचुएशन है, क्या इनपुट्स आपके पास है इस वक्त? और एक बार अपना प्रश्न कीजिए प्लीज। अभी क्या हालात है अगर आप बता पाए रवि के दत्ता? देखिए, यहाँ पे मैं एक बार दिखाना चाहूँगा कि लोग अभी भी सड़कों पे हैं। हालांकि ये ज़रूर है कि बारिश के चलते थोड़ा भीड़ यहाँ पे कम हुआ है, लेकिन बीच सड़कों पे अभी भी यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहे हैं। और आप देखिए, लोग का जो भीड़ है यहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा है। ये तादाद जो है देख के नहीं लगता कि ये अभी भीड़ यहाँ पे हटने वाली है। सड़कें जो बंद हैं वो तो रहेंगे, और ये जो लोग यहाँ पे रस्ते पे उतर के आए हैं, इनका मंसूबा ये है जब तक ये जिनके साथ ये घटना घटी है उनको यहाँ पे जस्टिस नहीं मिलता, या तो फिर जिन औरत की बात यहाँ पे हो रही है जो रात को सड़क पे निकलते हैं अपना काम करने के लिए, उनको जस्टिस नहीं मिलता,
या तो फिर उनका सेफ्टी एश्योरेंस नहीं होता, यहाँ पे ये प्रोटेस्ट चलते रहेंगे। निराशाजनक है। एक तरफ कोलकाता की सड़कों पर ये ड्रोन शॉट से तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ ये उत्पाती पहुंचे हैं आरजीपी हॉस्पिटल के बाहर और इतना ज्यादा हो हंगामा किया है। वहाँ स्कूटी खड़ी है, गाड़ियां खड़ी है, वहाँ पर बैरिकेड सबको गिरा दिया गया है। हम देख रहे हैं एक तरफ जहाँ जादवपुर थाना का सामने इतना बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है, लोग यहाँ पे आजकल हॉस्पिटल के बाहर मौजूद मॉब के खिलाफ उन्हें काबू में करने के लिए, क्योंकि उनकी संख्या बहुत ज्यादा है, ऐसे में एक एक को चिन्हित करना बहुत मुश्किल है और पुलिस को आखिरकार एक्शन लेना पड़ा है। पैरामिलिट्री फोर्सेज की तैनाती वहाँ पर की गई है और वहाँ पर देखिए आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े हैं, मजबूरन पुलिस को ये कार्रवाई करनी पड़ी है। रवि के दत्ता, अब भीड़ इतनी ज्यादा है कि पुलिस को अब आंसू गैस की गोली छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा है। कुमार कुमार, मैं आपसे चाहती हूँ जाना कि इस वक्त आप जहाँ पर मौजूद है क्या हालात है। आंसू गैस की गोली छोड़े जा रहे हैं इस वक्त, आप देख रहे हैं हमारी आंखों में भी आंसू आ रहे हैं। जो तस्वीर दिख रही होगी पूरा का पूरा पुलिस ने यहाँ पे टियर गैस छोड़ा है और बड़ी तादाद में लोगों को क्या पुलिस आंसू गैस छोड़ गैस छोड़ रहा है। यहाँ पे हम लोग ठंडी से ठंडक पसंद कर रहे थे, इसमें पुलिस आके अचानक उन लोगों को लाठी चेक किया। देखिए ये टियर गैस भी छोड़ दिया, मैं खुद भी नहीं बोल पा रहा हूँ, मैं माफ़ी चाहूँगा क्योंकि स्थिति यहाँ पे बहुत ही खराब हो रही है। एक बार उधर विजुअल दिखाएंगे जरा, जो पूरा का पूरा टियर गैस ये देखिए, लोगों की हालत खराब हो रही है यहाँ पे। आप लोग जो है वो धीरे धीरे भागने की कोशिश में लगे हैं और निश्चित रूप से जो पूरा मॉब है उसको तितर बितर करने के लिए हमने चूड़ी कोई नहीं चलो नरेशी चलो यहाँ पे बहुत है बहुत है किस तरीके का पुलिस क्या कर रही है, पुलिस किस तरीके से आंसू गैस छोड़ रही है, बहुत गंदा अवस्था है, ये नहीं करना चाहिए। क्या काफी ज्यादा आप लोगों को ट्रैक्टर मार खिला खाबो मोलिया मोड़ दो बाबा ये रक्त कम आज हमें आंदोलन नेमेছি সাধারণ মানুষ একসাথে ওখানে কিছু গুন্ডা বাহিনী দুষ্কৃতি ওরা আমি
बुरी हालत हो गई है और यहाँ से बोल नहीं पा रहा है, आदमी जा नहीं पा रहा है क्योंकि दिखाने जरा वो जो सामने आपको दिख रही होगी वो ये राजेकर हॉस्पिटल है और उस हॉस्पिटल के पास टीयर गैस छोड़े जा रहे हैं। वहाँ से स्थिति इतनी खराब हो गई है आप उस जगह से निकल नहीं सकते हैं। उधर से पथराव भी हो रहा है, ये देखिए वो पथराव भी हो रहा है वहाँ से और धीरे धीरे लोग वहाँ से, ये आधी रात का सच है, देखिए पुलिस दौड़ते हुए आ रही है, पुलिस पत्थर फेंक रही है साइड 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 साइड, पुलिस 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 पत्थर फेंक रही है और निरंजन साइड और पुलिस पत्थर फेंक रही है। आपको ये अब यहाँ पे धीरे बेकाबू हो रही है और ये जो भीड़ है वो बेकाबू हो रही है, पुलिस प्रोटेक्टर को भगाने की कोशिश कर रही है। ये धीरे धीरे आपको अब आपको पुलिस का वाहन आते हुए दिख रहा है, पुलिस बार बार कोशिश कर रही है कि दूसरी तरफ जो तस्वीर दिखाई है, ये प्रोटेस्टर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और पुलिस इनको खदेड़ने की कोशिश कर रही है। पुलिस यह पूरा का पूरा इलाका, ये जो आर्जेकर हॉस्पिटल के आसपास का इलाका था, लोग जो है वो तोड़ फोड़ करते हुए नजर आ रहे हैं और लोगों से परेशानी इस बात की है कि पुलिस ने उनको जानबूझ के भगाया, पुलिस ने उनको जानबूझ के रोका, ऐसा लोगों का डिमांड है और इस वक्त लोग जो है यहाँ से धीरे धीरे आगे निकल रहे हैं। टोल पेंटिंग हो रहा है, टोल पेंटिंग दोनों तरफ से हो रहा है और ये जो तस्वीर आपको दिख रही होगी, जिस तस्वीर में आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं लोग सारे के सारे, आप पुलिस जो है ड्रोन से नजर बनाने की कोशिश कर रही है। ये देखिए ऊपर ड्रोन सर्विस जो है ड्रोन से पता करने की कोशिश कर रही है कि कौन लोग हैं, कहाँ के लोग हैं, किस तरीके से हैं। ये अब दूसरी तरफ से भी पुलिस आ रही है, मैं आपको दिखा चाहूँगा, दूसरी तरफ से भी पुलिस आ रही है। पुलिस अपने आप को कुमार एक बात सुनिए, आप अपनी सुरक्षा, कैमरा पर्सन निरंजन की सुरक्षा को सबसे प्राथमिक रखिए। अगर आपको लग रहा है कि ये एरिया सही नहीं है, सेफ नहीं है आपके लिए, आप दोनों के लिए, आप ये एरिया छोड़ दीजिए। सबसे पहले आपकी सिक्योरिटी है कुमार, आपकी और निरंजन की। हमारे कैमरा पर्सन वहां पर डटे हुए और तस्वीरें दिखा रहे हैं। कुमार देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि पुलिस जो है अब दूसरी तरफ से भी आ रही है। कुछ लोग ऐसे हैं जो रोकने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो पुलिस को कह रहे हैं कि आप लोग आगे जाइए, चीज़ों को रेगुलेट कीजिए, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो पत्थरबाजी और तमाम तरह की चीज़ें कर रहे हैं। तो ये जो आपको तस्वीर नजर आ रही है, इस तस्वीर में दोनों चीज़ें नजर आ रही होंगी। आज के वक्त के जो लोग हैं वो जो है आदमियों में नजर कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये दोनों तस्वीर आपको यहाँ पर नजर आ रही होगी और धीरे धीरे जो है यहाँ पे लोग प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, लोगों का गुस्सा भी है और ये सारे के सारे लोग जो है पुलिस जो है धीरे धीरे आगे बढ़ रही है आगे की तरफ, कतार की तरफ, और कोशिश कर रही है कि चीज़ों को कंट्रोल किया जाए। लेकिन ये स्थिति बहुत ही भयावह होती जा रही है, खास करके तब पुरुष और महिलाएं हो सारे के सारे कलकत्ता की सड़कों पर इस वक्त है। और रात को ये देखिए आपको पुलिस पर कुछ लोग स्क्वाट करके भी जा रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो पत्थर फेंकना चाहते हैं तो उससे भी जो है कुछ लोग उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो स्थिति है वो स्थिति बहुत ही तनावपूर्ण है और इस स्थिति में पुलिस जो है किसी भी तरीके से रैपिड एक्शन फोर्स है, पुलिस ने ऐसा लोगों का कहना है कि पुलिस ने सबको सबके साथ मारपीट और तमाम तरह की चीज़ें की, ऐसा लोगों का आरोप है। मैं फिर कह रहा हूँ लोग ऐसा कह रहे हैं और धीरे धीरे जो है वो प्रोटेस्टर्स आगे बढ़ रहे हैं और आगे जा रहे हैं। आइए मैं आपको पुलिस के साथ ही करते हैं और दिखाने की कोशिश करते हैं कि कहाँ कैसे क्या हुआ है। ये लोग पत्थर भी फेंक रहे हैं और जो है तमाशा जो है लोग
आगे जा रहे हैं लोग, आजी कल हॉस्पिटल में जा रहे हैं, वहाँ से टीयर गैस छोड़ा जा रहा है, वहाँ से यहाँ पे पुलिस प्रशासन टीयर गैस छोड़ रहा है। पब्लिक को कोई बोलेगा मौका ही नहीं दे रहा, पब्लिक को मौका नहीं दे रहा, ऐसा कंडीशन आ रहा है। इस तरह का जो है पब्लिक बात कर रही है, हम कोशिश कर रहे हैं कि पुलिस के साथ अस्पताल तक पहुँचा जाए, वो तस्वीरें दिखा दी जाए कि किस तरीके से क्या हुआ है। अब हम पहुँच चुके हैं इस तरीके से आर्टिकल अस्पताल के साथ, जो तस्वीर आपको दिखाना चाह रहा हूँ वो आर्टिकल हॉस्पिटल के पास की तस्वीर है। हम उस अस्पताल के आस पास पहुँच चुके हैं और अब आपको वो तस्वीर दिखाऊँगा, इसलिए पुलिस के जवानों के साथ जिन्होंने कुछ कुछ वैंडलाइज किया है, उनकी हालत ठीक नहीं है, उनको लेके जा रहे हैं। दूसरी तरफ जो अस्पताल जाने का रास्ता है, उस अस्पताल जाने के रास्ते की तस्वीर देखिए, इस पूरे इलाके को बैरिकेडिंग तोड़ा गया है। और ये जो ओपीडी वाली बिल्डिंग है, निरंजन इधर भी खाली ओपीडी वाली बिल्डिंग, ओपीडी वाली बिल्डिंग से जो आप आगे बढ़ते हैं तो आपको चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ टूटे हुए बैरिकेड्स नजर आएंगे। ये वो बैरिकेड्स थे जो आज दिन में लगाए गए थे ताकि कि प्रोटेस्टर्स और यहाँ पे अलग अलग कम्युनिटी के लोग प्रोटेस्ट करने के लिए आए हुए थे, तो वहाँ से जो है इनको हटा के, इन बैरिकेड्स को और हटाते हुए फिर पूरे लोगों को सेग्रीगेट किया गया था। लेकिन अब जो स्थिति है, उस स्थिति में ये पूरा का पूरा इलाका वेंडलाइज है। अभी भी लोग पुलिस को फॉलो करते हुए आ रहे हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहे हैं। तो ये मैं आपको ये बैरिकेड का हमारे सामने का हाल दिखा रहा हूँ। ये जो मेन मुख्य हॉस्पिटल है, ये आर्किटेक्ट हॉस्पिटल के सामने की तस्वीर है। इस तस्वीर में आप देखिए किस तरीके से पूरा का पूरा हॉस्पिटल प्रीमाइसिस को वेंडलाइज किया गया है। और ये मेन गेट है, ये हॉस्पिटल का मेन गेट है। इस मेन गेट को पूरी तरीके से तोड़ा गया है। अब मैं आपको अंदर की तस्वीर दिखाऊँ, निरंजन अंदर आए, अंदर की तस्वीर दिखा रहा हूँ। आप देखिए पुलिस प्रोटेस्टर्स पहुँचाने की कोशिश कर रही है और यहाँ पे पुलिस और प्रोटेस्टर्स के बीच एक छोटी सी झड़प, लेकिन पुलिस कह रही है कि वो प्रोटेस्टर्स हैं जो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, पुलिस उनको भी हटाना चाहती है, लेकिन वो हटने को तैयार नहीं। आइए मैं अस्पताल के अंदर की तस्वीर दिखा रहा हूँ, किस तरीके से इन्होंने पूरे इलाके को एक तरीके से तोड़ ताड़ करके बराबर कर दिया है। ये वो जगह है जहाँ पे प्रोटेस्ट करने के लिए सारे लोग थे, इस जगह को तोड़ दिया गया है। सामने में मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये दुकान थी जिस दुकान पे हम लोग दिन में खाना वाना खा रहे थे, इस दुकान को तोड़ दिया गया है और प्रोटेस्टर्स एकदम अंदर तक घुसे हैं। निरंजन अंदर आइए, यहाँ पे स्मेल आ रही है, स्मेल बता रहा है कि अंदर कितना वैंडलाइज है। निरंजन अंदर आइए, मैं आपको, इमरजेंसी है, ये वही जगह है, आप देखिए इमरजेंसी की क्या हालत की है। ये पूरा का पूरा इमरजेंसी इलाका है, तोड़ ताड़ दिया है। कितने प्रोटेस्टर, कितने लोग आए थे प्रोटेस्ट करने के लिए, कोई आइडिया नहीं। आप लोग सिक्योरिटी वाले हैं, कितने लोग आए थे यहाँ पे प्रोटेस्ट करने के लिए? बहुत ही ज़्यादा, बहुत से ज़्यादा लोग थे। और एक साथ में भी, एक साथ में भी किया पूरा तो। ये देखिए पुलिस वालों की क्या हालत हुई है, कितनी बुरी तरीके से जख्मी हुए हैं। ये इमरजेंसी है, इमरजेंसी की तरफ ले जाया जा रहा है। ये आरटीएफ के लोग हैं और इनकी स्थिति भी खराब हुई है और इनको ट्रॉमा सेंटर की ओर ले जाने के लिए बोला जा रहा है। पूरा का पूरा जो इलाका है वो एकदम निरंजन इधर है, तुम निरंजन इस साइड है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये जो इलाका है, चारों तरफ जो है ये पूरा का पूरा जो इमरजेंसी है इसको तोड़ फोड़ कर दिया गया है। पूरा इमरजेंसी तोड़ दिया गया है। ये नीचे कांच के टुकड़े और सब कुछ बताने के लिए काफ़ी है कि किस तरीके से और कितने बुरे तरीके से ये सारा कुछ किया गया है। और अब मैं आपको इमरजेंसी वार्ड के अंदर लेके आ रहा हूँ और इमरजेंसी वार्ड के अंदर की ये तस्वीर है। इस तस्वीर में देखिए कि घर जो इमरजेंसी स्टोर है, स्टोर को भी जो है काफ़ी ज़्यादा जो है नुकसान किया गया है। और जो दवाइयाँ हैं उन दवाइयों को, ये देखिए सारी दवाइयाँ स्लाइस है और स्लाइन के बॉटल जो रिफिल होटल नजर आ रहा है, फ्रिज है जिसमें वेस्ट कीमती दवाइयाँ, जीवन रक्षक दवाइयाँ, लाइफ सेविंग ड्रग्स है, उस तक को नहीं छोड़ा गया है। उसके बाद आप देखिए इमरजेंसी का दूसरा बुरा हाल मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये भी एक स्टोर है, स्टोर में फ्रिज को पूरी तरीके से तोड़ ताड़ दिया गया है। और अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से आने वाला जो आने की जगह है उस जगह पे क्या तोड़ फोड़ किया गया है। ये तस्वीर जो है आपको दिख रही होगी, ये इमरजेंसी की है। इमरजेंसी में एयरनेस सवाल किया गया, शीशा नीचे बहुत ज़्यादा है, जब आते हैं तो ये इमरजेंसी का ये वो देखिए रजिस्टर्ड है जिसमें कि मरीजों का एंट्री होता है, वो रजिस्टर सारे का सारा तोड़ ताड़ दिया गया, फाड़ दिया गया है। और पुलिस वालों के साथ बहुत बेहतर तरीके से मारपीट की गई है। जो ये देखिए
हेलमेट है, इस हेलमेट को लीजिए। यहीं पे इनके साथ